जन्नत में जाने वाले अफराद की पहचान क्या होगी। तफसीर मजमाउल बयान का हवाला जिल्द नंबर 10। इन आयात के ज़ेल में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के कलमात मुकद्दस, जन्नत में कैफियत क्या होगी कल आप सुन रहे थे कि कैसे विल्दाने मुखल्लदून होंगे जो हाथों में गिलास लिए हुए खिदमत अंजाम दे रहे होंगे, और किस अंदाज से साहिबान ईमान जन्नत में अहले बैत अलैहिस्सलाम के मकामात का मुशाहिदा करेंगे कि जिन मकामात का मुशाहिदा मुल्के कबीर के अंदाज में होगा। तो नेमतें इतनी ज्यादा होंगी, इमाम फरमाते नईमन खतीरा, खतीर रकम उर्दू में इस्तेमाल होता है, खतीर माने बहुत ज्यादा। अब तो खैर इसका इस्तेमाल बहुत कम हो गया, वरना लफ्ज़ खतीर का इस्तेमाल पहले ज्यादा होता था, अब तो लफ्ज आसान है कि जो शुमार ना हो सके। खतीर का मतलब जो शुमार ना हो सके। तो रोज़े कयामत जितनी नेमतें नसीब होंगी साहिबान ईमान के लिए वो शुमार ना हो सकेंगी। नईमन खतीरन व मुल्कन कबीरा, मुल्कन कबीरा क्या है? इसके लिए पहले पहचानते हैं कि जन्नत में साहिबान ईमान जो पहुँचेंगे तो उनके मकान की जो पैमाइश होगी वो कितनी बड़ी होगी। आपको कितना बड़ा मकान चाहिए? 120 गज का चाहिए? क़िबला बड़े शहर में अगर 80 गज का मिल जाए तो बड़ी बात है। क्या नहीं आप और बात कीजिए, क्या अगर 240 का हो तो क्या कहने, थोड़ा सा कमरे बड़े हो जाएंगे। क्या अगर फैमिली बड़ी तो क्या करेंगे, क्या कम से कम फिर 400 गज का हो। बढ़ाते चलिए, अजीब जुमला रवायत का है, क्या जन्नत में कम से कम छोटा मकान, जन्नत में चाइना कटिंग नहीं होगी। जन्नत में जितने प्लॉट हैं वो ऑलरेडी खुदा ने पहले से अलॉट किए हुए हैं, बनाए हुए हैं, उनमें कोई कटिंग की गुंजाइश नहीं है। सलावत पढ़ लें मोहम्मद वाले मोहम्मद। जन्नत का सबसे छोटा मकान इतना बड़ा होगा कि अगर उस मकान का, अगर उस मकान के अंदर का सर्वे करना चाहें तो 1000 साल की मुसाफत का टाइम लगेगा। 1000 साल, अल्फ सनतिन, अल्फ माने हजार, सना माने साल, और ये सनत नहीं मालूम कि दुनिया के सालों के लिहाज से है या नूरी सालों के एतबार से है, लेकिन अल्फाज हैं रिवायत के अल्फो सना। तफसीर नमूना का हवाला, मजमाउल बयान का हवाला, क्या एक छोटा सा मकान, मैं सोचता हूं इतना बड़ा मकान, अल्लाह खुदा मालूम इस मकान के फजाइल को सुनकर एक मोमिन की कैफियत क्या हुई, बाकी सोच ही रहे हैं क्या करना चाहिए। इतना बड़ा मकान तो हुजूर वो आखिरी दीवार तो दिखेगी नहीं, 1000 साल तो कैसे अपने मकान को खुद इंसान मुशाहिदा करेगा। अल्फाज हैं तफसीर कुरान के कि खुदा उसके अक्सा को अदना कर देगा, दूर तर को नजदीक तर कर देगा। अल्लाह अकबर, यानी इंसान अगर आज के दौर में दूरबीन के आदसे ईजाद कर सकता है कि दूर की शय करीब दिखाई दे, अगर ये बंदा होकर ये बना सकता है तो क्या खुदा खुदा होकर जन्नत के मकान को ऐसा ना बना सकेगा कि हो 1000 साल पर उसका इलाका मुहित मगर दूर की शय नज़दीक दिखाई दे। इसीलिए एक कैफियत है जिसको दुआए अदीला इंदल मौत में भी और खुतबे जुमा के आखिर में पढ़ा जाता है, इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा, वो उसे दूर देखते हैं और हम उसे करीब देखते हैं। तो निगाहों के बदलने से फासले बदल जाते हैं,
तो जन्नत में अगर छोटे इंसान, छोटे मोमिन के लिए, एक आम मोमिन के लिए इतनी बड़ी जगह होगी कि 1000 साल की मुसाफत लगे मकान का पूरा सर्वे करने के लिए, तो फिर मकान आले मोहम्मद की तारीफ क्या कीजिए।